केंद्रीय विद्यालय में सुबह बड़ा हादसा होने से बच गया, जिसमें एक स्कूल के कमरे में बैठे 9वीं कक्षा का छात्र पंखे की चपेट में घायल हुआ, जिसे स्कूल प्रबंधन ने जिला अस्पताल भेज छात्र को घर भिजवा दिया। दुर्ग के केंद्रीय विद्यालय में शनिवार की सुबह क्लासरूम में बैठे क्लास 9वीं के छात्र शशांक सोनी पंखे की चपेट में आकर बड़े हादसे से बचा। वहीं अचानक लटक कर सिर के ऊपर आए पंखे से छात्र शशांक सोनी के कान की तरफ मामूली से कट लग गया, जिसके सकते में आए स्कूल प्रबंधन ने सबसे पहले तो हल्का ट्रीटमेंट कर छात्र के पालक को सूचना देकर जिला अस्पताल भिजवाया, जिसकी खबर लगते ही जिला प्रशासन के अधिकारी दुर्ग SDM मुकेश रावटे ने स्कूल पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया और छात्र का हालचाल जाना। वो हैंग हुए, चोट कैसे लगी थी? सर कान से बगल, अगर बगल से निकला तो लग गया उसमें पंखुड़ी, पंखुड़ी से। इस घटना में केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य रमन शंकर मिश्रा ने मामूली घटना बताते हुए बाकी सभी बातों से इनकार किया। उन्होंने बताया कि सिर्फ अचानक पंखा नीचे आने से छात्र के कान के पास मामूली चोटें आई है। कोई गंभीर नहीं था सर। एक, एक, एक हमारे यहाँ एक जो फाल सीलिंग वाला कमरा है, जिसमें सीलिंग फाल सीलिंग का जो एस्बेस्टस था उसके टलने से पंखा लटक गया, और उसके लटकने से मतलब इतनी ऊंचाई पर करीब आ गया, और वो बच्चा उधर से निकला तो उसका लग गया, उसने ध्यान नहीं दिया। कौन सी कक्षा का? कक्षा 9th D का बात थी, 9th D के बच्चे की बात। सर बच्चे को खरोच लगा है, कोई गंभीर चोट नहीं है बच्चे को, और तुरंत हमने उसको बच्चे को ला करके फर्स्ट एड दिया। हमारे यहाँ नर्स बराबर रहती हैं, मेडिकल स्टाफ, और उसके बाद तुरंत हम उसको हॉस्पिटल भी ले गए, पेरेंट को भी बुलाया साथ में, हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में भी हमने जो भी उसका ट्रीटमेंट होता है, जो डॉक्टर ने बोला कोई सीरियस नहीं है, उन्होंने एक पेनकिलर दे दिया बच्चे को, पेनकिलर इंजेक्शन दे दिया और छोड़ दिया। सर लापरवाही नहीं कहेंगे, लेकिन फाल सीलिंग है, वो शायद बरसात महीना है तो फाल सीलिंग के कारण वो इधर उधर कुछ शिफ्ट हुआ होगा। पंखा गिरा ही नहीं सर, ना फाल सीलिंग गिरी ना पंखा गिरा है, पंखा लटका है खुद से, थोड़ा लटक गया तार, ना हुक से भी पंखा अलग नहीं हुआ, गिरा तो पंखा है नहीं सर। जी बहुत एकदम खरोच है सर। SEN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।